इस बिल्डिंग में हम रहते थे, तकरीबन 10 साल तक रहे हैं हम लोग इस बिल्डिंग के अंदर। और ये है मेरी गाड़ी, ठीक है, ये टोयोटा। स्टार्ट कर लेते हैं गाड़ी। ये देखें जी, ये होटल की लॉबी बैठी है, ठीक है। इसको खोलते हैं, ठीक है, खोलते हैं। तो इस रूम से जी मैं एंटर हूँ ये, और
इसमें ये एंटर होते ही राइट साइड में है किचन, ठीक है, और ये मेन डोर, और ये लेफ्ट साइड में है सारी कपबोर्ड्स, ठीक है। कपबोर्ड्स में आपको दिखाऊं अच्छी है, और ये देखिए आयरन स्टैंड, आयरन, और किचन में ये है जी बेसन, ये गैस कुकर, और ये हॉट प्लेट, और ये है कैटल, इसके अंदर पानी वगैरह और चाय बनाने की चीज़ें, और ये आई थिंक थोड़ा सा इन्होंने डाइनिंग एरिया बनाया है। इधर से हम अगर आते जाएं तो ये एक छोटा सा उन्होंने बना के दिया है लिविंग रूम एरिया टाइप, मतलब कॉफ़ी टेबल है, सोफ़ा लगा है, और सोफे के सामने ये टीवी लगा, अच्छा बड़ा टीवी है, और ठीक है ये। और अगर हम जाएं इधर, मैं ये वाला आपको दिखा दूं, ये बैठने के लिए जगह बनाई है, ठीक है, ऑफिस तक छोटा सा कि वर्क फ्रॉम होम करना हो तो। और बाहर जो है वो बाहर का सीन जो है वो है ये, शायद आपको नज़र आ रहा होगा, ये एमिरेट्स पैलेस, मरीना मॉल, और ये सब कुछ इधर इत्तेहाद टावर्स, ये सब कुछ सी साइड, ठीक है जी। और ये सारा जो लिविंग एरिया है, लिविंग एरिया से आगे बेडरूम जाने के लिए ये बेडरूम, अच्छा डबल बेड है, और ये साथ में बैठने की जगह भी इन्होंने बनाई है, और इसके अंदर ये बेडरूम के लिए भी इन्होंने, बेडरूम के मतलब सामने भी एक टीवी दिया है। और ये जो दोनों एंट्रेंस है ना, एक ये वाली और एक ये वाली, ये सारी उधर जाती हैं लिविंग रूम में। और अभी इधर मैं आपको लेके जाऊं तो ये आ जाता है वॉशरूम वाली साइड, ये वॉशरूम के लिए भी कपबोर्ड्स वगैरह, ये वॉश बेसिन, और ये वॉशरूम का एरिया, शावर एरिया, टब और कमोड वगैरह, ये सारे पीछे लगे हैं, ठीक है जी। ये है ये, और ये बेडरूम, बेडरूम से निकलते हैं तो लिविंग रूम, लिविंग रूम से निकलते हैं तो किचन और वाटर्स। ये है जी कंपनी ने जो मुझे रूम दिया है, थैंक यू।